वीडियो उनके लिए नहीं है जो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, ठीक है, जिनको कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में कि भाई आगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, माताजी पिताजी का दादाजी का दिया हुआ बैंक बैलेंस सब कुछ है तो उससे उनका गुजारा हो रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो तबले को प्रोफेशनली करके अपना घर चलाना चाहते हैं, घर की रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, घर का किचन चलाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, वेलकम टू माय चैनल शादाब शकुरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मज़े में होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। टॉपिक का नाम है दाल रोटी वाला तबला कैसा बजाएं और वो होता क्या है। दाल रोटी जो सब्जेक्ट इट्सेल्फ है उस पर मैंने कहरवा भी बना के डाला था वीडियो ट्यूटोरियल, जो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। पंजाब में इस वीडियो को इतना पसंद किया गया है, यूपी में, पटना में और पूरा नॉर्थ साइड लोगों ने बहुत प्यार, बहुत दुआएं मुझे दी है कि आपने ये कंटेंट सोचा और आपने वीडियो बनाया, तो उसी का आज ये दूसरा वीडियो है। वो जो मैंने बना के डाला था वो था दाल रोटी वाला कहरवा। आज जो वीडियो है वो है दाल रोटी वाला तबला, ओवरऑल तबला कैसा होता है, तो उस बारे में आज हम सीखेंगे और चर्चा करेंगे। आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि दाल रोटी कमाने के लिए सबसे पहले कुछ ताले जो हैं जिनका आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और वो ताले जितना जल्दी हो सके आपको सीखनी चाहिए। देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, वो हमारी फाउंडेशन है, हमारे रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, और उनको हमको मजबूत करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो सक्षम होगा, अगर उसको हम मजबूती से साधना करेंगे और करते रहेंगे तो हम दुनिया का कोई भी संगीत कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने से हम कोई भी संगीत करते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कोई भी संगीत करने के लिए हमको उस संगीत की तहजीब तमीज सीखना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं और जब हम लाइट क्लासिकल म्यूज़िक जब बजाते हैं तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। उसमें ऐसा होता है, जितनी मेहनत, जो क्रियाएं, जो साधना आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में करते हैं, उतनी ही साधना, उतना ही रियाज और उतना ही सीखना आपको लाइट क्लासिकल करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। अब वो ताले कौन सी है? तो सबसे पहले ताल आती है तीन ताल। ये पहली ताल रही। अब तीन ताल के बाद कुछ ताले ऐसी हैं जो क्लासिकल में भी बजती है, लाइट में भी बजती हैं। उनमें से ताले हैं जैसे रूपक, ठीक है, रूपक जो है उसके जो डिटेल्स हैं ताल के वो आपको गूगल बाबा पे मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ताल बता देता हूँ, वो ताल रूपक है। ताल जो है झपताल, ये भी आपको आना चाहिए। ये ताल जो है ये इंडियन क्लासिकल में भी बजती है, लाइट में भी बजती है, 10 मात्रे की ताल है। इसके बाद आती है जो कि कमर्शियली ज़्यादा चलती है, 12 महीनों चलती है और इसके शोज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ताल है कहरवा, दादरा, खेमटा। सो कहरवा जो ताल है फॉर एग्जांपल वो कैसी है? Thank you.
कहरवा हुई। कहरवा जो है कई किस्म से बजती है, मैंने अपने चैनल पे कई किस्म की कहरवा तालें डाली हुई हैं। अगर आपके पास टाइम मिले, आपको सीखने का शौक़ है, तो आप मेरे चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें बहुत वेरियस किस्म की कहरवा वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से दादरा ताल है। दादरा जो है बॉलीवुड में अलग स्टाइल से बजती है, गज़लों में अलग स्टाइल से बजती है, ठीक है, ठुमरी दादरा में अलग स्टाइल से बजती है। तो ये कैसे बजती है उसका मैं छोटा छोटा आपको एक एग्जांपल के तौर पे नमूना दिखाता हूँ। जैसे ठुमरी दादरा में हमको दादरा बजानी है, दादरा में इस अंग से दादरा बजता है। अब यही दादरा जब हम गजल में आते हैं तो गजल में कैसे बजेगा, ये गजलों में बजती है दादरा। अब यही दादरा थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो फिल्मी अंदाज में कैसे बजेगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा बताया आपको, इस किस्म से दादरा बजती है। खेमटा भी इसी तरीके से बजती है, यही झोल यही वज़न रहता है उसका भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ताले हैं, ये आपको तैयार करनी है, आपको ईमानदारी से इस पर मेहनत करना है, ईमानदारी से सीखना है और ईमानदारी से गाने के साथ जस्टिस करना है आपको। आप गाने के साथ कोई भी ताल बजा के, कैसे भी बजा के, काम चला के निकल नहीं सकते। अगर आपको तबला प्रोफेशनली अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, तो आपको ये सब ताले सीखना ज़रूरी हो जाता है। ये ताले एक तबला प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है तैयार करना, क्योंकि ज़्यादातर तबला प्लेयर्स को अकम्पनीमेंट का जॉब मिलता है, सोलोस का जॉब बहुत कम मिलता है। तो उस वजह से कुछ ताले जो मैंने आपको बताई है ये आपको तैयार करनी पड़ती है। आप किसी के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, गाने वाले के साथ, गज़ल वाले के साथ, ठुमरी दादरा जो गा रहे हैं उनके साथ, भजन्स के साथ, ठीक है, कहीं अगर फिल्म की रिकॉर्डिंग्स आ गई तो आप वहाँ पे भी ये तालों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैंने बहुत ज़रूरी समझा ये वीडियो बनाने के लिए कि भाई दाल रोटी वाला तबला एक कंटेंट बना के मैं डालूँ, ताकि मेरे जो लोग, मेरे जो दर्शक, मेरे चाहने वाले, मेरे जो स्टूडेंट्स, वेल विशर्स, तबला लवर्स जो ये वीडियो देखते हैं मेरे और मेरे वीडियो से इंस्पायर होते हैं, उनके लिए ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और ये जो मैंने आपको थोड़े बहुत जो अंदाज़ा बताया है तालों का, अगर आप ये डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तबला क्लासेस, पखावज क्लासेस एंड ढोलक क्लासेस अवेलेबल है। हमारे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 8691065786। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के सिलसिले में जो भी जानकारी जानना चाहेंगे वो आपको पूरी करके मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। खुद भी सीखिए, दूसरों को सिखाएं, खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मैं इजाज़त लूँगा दोस्तों, और ये प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह मालिक ईश्वर आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।